क्या आप जानते हैं कि समय यात्रा का विचार कोई नई खोज नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय कथाओं में भी होता है। ऋषियों का समय में यात्रा करना, योद्धाओं का दूसरी दुनिया में कई उम्रें बिताना और राजाओं का एक पल में सदियों तक खो जाना, ये सब भारतीय पौराणिक कथाओं में छुपे हुए रहस्य हैं, जो हमें समय, इतिहास और सच्चाई के बारे में नई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। समय यात्रा के सबसे पुराने किस्से हमें हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे पुराणों और महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलते हैं। इन ग्रंथों में समय को एक सीधी रेखा के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी धारा के रूप में बताया गया है, जिसे झुकाया जा सकता है, पार किया जा सकता है, और यहाँ तक कि जो लोग सही आध्यात्मिक शक्तियां रखते हैं उनके द्वारा बदला भी जा सकता है। पहला रहस्यमय किस्सा है राजा रैवतक ककुदमी का, जिसे भागवत पुराण में बताया गया है। राजा रैवतक अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर खोज रहे थे। जब उन्हें धरती पर कोई उपयुक्त वर नहीं मिला तो उन्होंने इस समस्या का हल जानने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास जाने का निर्णय लिया। अपनी बेटी को साथ लेकर वे ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां जाकर राजा को ब्रह्मा जी से मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस समय ब्रह्मा एक संगीत सभा का आनंद ले रहे थे। यह इंतजार राजा रैवतक को बहुत छोटा लगा, लेकिन जब वे धरती पर वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि सदियों बीत चुकी हैं, पृथ्वी पर युग बदल चुके थे और जो सभ्यता वे छोड़कर गए थे वह अब केवल इतिहास बन चुकी थी। यह कहानी हमें बताती है कि समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से चलता है। यह समय यात्रा के रहस्य का एक संकेत है, और यह भी कि समय को समझने के लिए हमें अलग अलग दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अब आइए नारद मुनि की कहानी पर चलते हैं। नारद मुनि को एक ऐसे आर्षि के रूप में जाना जाता है जो एक लोक से दूसरे लोक में पल भर में जा सकते थे। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपने भक्ति की खूब प्रशंसा करने लगे। विष्णु जी मुस्कुराते हुए उन्हें एक साधारण काम करने के लिए भेजा, पानी लाने का। नारद पानी लेने गए और एक घटना के बाद दूसरी घटना में उलझते चले गए। उन्होंने शादी की, बच्चे हुए, घर बसाया और समय के साथ वे अपनी असली यात्रा को भूल गए। कई साल बीत गए और तब एक बड़ी विपत्ति आई जिसने उनकी सारी दुनिया को तहस नहस कर दिया। उसी समय नारद जी को अपनी असली यात्रा का याद आया और वे समझ गए कि ये सब भगवान विष्णु का एक खेल था। वे वापस विष्णु जी के पास पहुंचे और जाना कि उनके द्वारा जिया गया वह लंबा जीवन तो सिर्फ कुछ ही पलों में बीता था। यह कहानी हमें बताती है कि समय एक माया जाल है जो हमें भ्रमित कर सकता है। हमारे मन और आत्मा की स्थिति के आधार पर समय का अनुभव अलग अलग हो सकता है। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की कहानी भी समय यात्रा के रहस्य को उजागर करती है। महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंस गया था और अंत में वहीं मारा गया। कहा जाता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना अपनी माँ के गर्भ में रहते ही सीख गया था, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा रह गया क्योंकि उसकी माँ सुभद्रा सो गई थी जब भगवान कृष्ण उसे बाहर निकलने की कला बता रहे थे। यह कहानी इस बात का संकेत देती है कि ज्ञान और अनुभव समय की पारंपरिक सीमाओं को पार कर सकते हैं, और शायद समय एक रेखीय प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसी जटिल संरचना है जिसे अलग अलग अवस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है। कालचक्र या समय का पहिया का विचार भी बेहद रहस्यमय है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में इसका जिक्र मिलता है। यह कालचक्र समय के चक्रीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिखाता है कि समय सीधी रेखा नहीं बल्कि एक निरंतर घूमता चक्र है। प्राचीन भारतीय कथाओं में महायुगों की अवधारणा है जिसमें समय के बड़े बड़े चक्र चलते रहते हैं। जब एक युग समाप्त होता है तो दूसरा आरंभ हो जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन आर्षि इस कालचक्र का उपयोग भविष्य को देखने या अतीत को दोबारा जीने के लिए करते थे। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के अवतारों की। माना जाता है कि भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। 10 अवतार, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, वे अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं, लेकिन कुछ शास्त्र बताते हैं कि ये अवतार एक निरंतर समय रेखा से परे रहते हैं। यह विचार उठता है कि भगवान और अवतार हमारे समय की सीमाओं से परे हैं, वे विभिन्न युगों में अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। विष्णु के अवतारों का बार बार प्रकट होना न केवल पुनर्जन्म का संकेत देता है बल्कि यह भी बताता है कि वे समय को खुद नियंत्रित करते हैं। महाभारत की कहानी भी समय यात्रा के कुछ अनोखे उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक रहस्यमय कथा है राजा रैवत और एक रहस्यमय स्थान कालापट की। अपनी बेटी के लिए वर की खोज में राजा रैवत एक गुफा में जा पहुंचे जो एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी
जहाँ समय की गति बिल्कुल अलग थी। वहाँ आर्ष मुनि और देवता एक अनंत युवावस्था में रहते थे, जहाँ समय का कोई असर नहीं होता था। जब राजा उस दुनिया से वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि धरती पर सदियों बीत चुकी है। यह कहानी बताती है कि ऐसी छुपी हुई जगहें हो सकती हैं जहाँ समय को रोका या बदला जा सकता है। अब बात करते हैं सप्तर्षियों की। सप्तर्षियों को इंद्र माना जाता है और वे समय के महासागर में जैसे तैरते रहते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अनगिनत सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा है और उनके पास समय के हर पल का ज्ञान है। सप्तर्षि न केवल धरती पर बल्कि समय में भी यात्रा करते हैं। एक कथा के अनुसार सप्तर्षियों ने ध्यान की ऐसी स्थिति प्राप्त की थी जिससे वे भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते थे। उन्होंने अपने ज्ञान को केवल समय में नहीं बल्कि समय के नियमों के पार जाकर हासिल किया। इसका अर्थ यह है कि समय यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक स्थिति भी हो सकती है। इसके बाद आती है मार्कंडेय ऋषि की कहानी, जो एक और रहस्यमयी मोड़ प्रस्तुत करती है। उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था जिससे वे अमर हो गए थे। एक बार मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मांड में घूमते हुए एक महासागर में पहुँचे जहाँ सब कुछ समाप्त होने की कगार पर था। वहाँ उन्होंने एक विशाल बरगद के पत्ते पर लेटे एक छोटे बच्चे को देखा। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। मार्कंडेय आर्षे उस बच्चे के मुंह में प्रवेश कर गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्र देखा, सृष्टि, पालन और विनाश। जब वे बाहर निकले तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने जो देखा था वह मानव मन और ज्ञान की सीमा से परे था। ये कहानी बताती है कि समय चक्रीय है और उसे समझने के लिए हमें भौतिकता की सीमाओं को पार करना होगा। हिंदू ज्योतिष में भी समय चक्रों की अवधारणा मिलती है। प्राचीन ज्योतिषियों को ज्योतिषी कहा जाता था, जिनके पास समय की भविष्यवाणी करने की शक्ति थी। कहा जाता है कि कुछ ज्योतिषी किसी व्यक्ति की जन्मपत्री देखकर न केवल उसका भविष्य देख सकते थे बल्कि उसके पिछले जन्मों और संभावित आगामी जन्मों की झलक भी पा सकते थे। यह एक गहरे ज्ञान का संकेत देता है जिसमें समय को एक निरंतर प्रवाह के रूप में समझा गया था। इन कहानियों ने केवल भारतीय पौराणिक कथाओं के समय यात्रा के रहस्यों की सतह को छुआ है। प्राचीन ग्रंथों का विशाल महासागर जिसमें आर्षि अनंत काल तक ध्यान करते हैं, राजा रहस्यमय लोकों में यात्रा करते हैं और देवता समय और स्थान को मोड़ते हैं, यह सब एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करता है जिसने समय को केवल एक कठोर रेखा के रूप में नहीं बल्कि एक बहने वाली नदी के रूप में देखा था। क्या ये प्राचीन भारतीय सिर्फ कहानियां गढ़ रहे थे या फिर उनके पास समय के स्वभाव के बारे में वह ज्ञान था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं?